नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों यूपी एनएचएम 17,000 प्लस एनएम फार्मासिस्ट लैब टेक्नीशियन ईमेल आईडी चेक करें। जो यह अभ्यर्थी हैं जिनका 27, 28, 29 तारीख को परीक्षा हुआ है, उनके मेल पर मैसेज भेजा जा रहा है। इस तरह का मैसेज आपको मिलेगा मेल आईडी पर यूपी एनएचएम की तरफ से भेजे गए हैं। कुछ घंटे का समय बचा है दोस्तों, आपको नियम फॉलो करके आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। आपत्ति दर्ज कराने के लिए आपको इस तरह का नियम फॉलो करना होगा, मैं आप लोग को बताऊंगा। सबसे पहले वीडियो को एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा दोस्तों। चलिए, कैसे आपको मैसेज मिल रहे हैं, किस तरह के और कौन से नियम फॉलो करके आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, मैं आपको एक दो क्वेश्चन भी बताऊँगा कि और उसका प्रूफ भी दूँगा आपको। दोस्तों सभी अभ्यर्थियों के मेल आईडी पर जो है इस तरह का मैसेज भेजा जा रहा है यूपी एनएचएम की तरफ से। योर ऑब्जेक्शन फॉर्म फॉर एनएचएम मल्टीपल पोस्ट 2022 अगेंस्ट एप्लीकेशन सीक्वेंस नंबर, आपका सीक्वेंस नंबर यहां पर ऐसे दिया रहेगा जो आपने मेल आईडी से फॉर्म भरा है। शेड्यूल ऑन, जैसे इनका जो है 28/12/2022 को तीसरे शिफ्ट में पेपर रहा, तो इसमें साफ साफ दिया गया है कि विल बी अवेलेबल टिल, मतलब 6 जनवरी 2023 तक 11:55 के रात तक जो है अवेलेबल रहेगा, आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। यानी दोस्तों कुछ घंटे का समय और बचा है। साफ साफ दिया है, काइंडली राइज योर ऑब्जेक्शन इन केस यू हैव एनी यूजिंग योर एग्जिस्टिंग क्रेडेंशियल फॉर्म द बिलो लिंक। आप इस लिंक पर जाकर जो है डायरेक्ट आप ऑब्जेक्शन कर भी सकते हैं। इन केस ऑफ एनी क्वेरी काइंडली कनेक्ट विद अवर हेल्प डेस्क कॉन्टैक्ट, आप इस पर भी कर सकते हैं। ये मेल आईडी है, ये फ़ोन नंबर है, इस पर आप जाकर मंडे टू फ्राइडे 10 AM to 6 PM आप ऑब्जेक्शन इस नंबर पर भी कर सकते हैं, मेल आईडी पर भी कर सकते हैं, अगर आपको इस लिंक के माध्यम से नहीं समझ में आ रहा है। ऑब्जेक्शन फॉर्म हैज बीन मेड लाइव ओनली फॉर्म कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड इन द एग्जाम शेड्यूल, मतलब जो आपने परीक्षा दिया है वही प्रश्न आप जो है कर सकते हैं ऑब्जेक्शन में, दूसरे प्रश्न पर नहीं कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि एक क्वेश्चन और आया था। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा गया था फार्मासिस्ट के एग्जाम में। अब किस सेशन में पूछा गया था, यह फर्स्ट सेकंड थर्ड किस में पूछा गया था ये नहीं पता है, लेकिन देखिए दिया है कि एडल्ट ऑनसेट अस्थमा, इसका मैं प्रूफ दिखाऊंगा, वो प्रूफ आपको अपलोड भी करना रहता है। इसका दोस्तों होता है एलर्जिक होता है, आप भी नेट यूज करते होंगे, नेट चलाते होंगे, आप लोग चेक कर लीजिए, बुक में भी दिया है यही। एडल्ट ऑनसेट अस्थमा जो होता है यह एलर्जी के रिएक्शन से होता है, एलर्जी होता है, ना कि इंट्रेंसिक से, आयोग ने इसको गलत ठहराया है। अब आप इसको जो है कैसे सही ठहरा सकते हैं, आप ऑब्जेक्शन कैसे करेंगे, आपको मैंने बताया कि उस साइट पर जाने के बाद आपको यह इसका नंबर दिया रहेगा, उस नंबर पर करना रहेगा। यह देखिए दोस्तों, यहाँ पर साफ साफ दिया है एडल्ट ऑनसेट अस्थमा, यहाँ पर देखते हैं व्हेन अस्थमा सिम्टम अपीयर एंड एयर आर डायग्नोस्ड इन एडल्ट ओल्डर देन एज 28 इज टिपिकली नोन एज एडल्ट ऑनसेट अस्थमा, अबाउट हाफ ऑफ एडल्ट हु हैव अस्थमा आल्सो हैव एलर्जीज। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एलर्जी दिया है, यहाँ पर एडल्ट ऑनसेट अस्थमा आल्सो मे बी रिजल्ट कंप्लीटली इरिटेंट इन द वर्क प्लेस। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब यह आप प्रूफ उस पर अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन एलर्जी ही होगा, ना कि इंट्रेंसिक होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपलोड कर सकते हैं, इस पर जो है आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। ऐसे दोस्तों मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि लगभग 6-7 क्वेश्चन एनम के पेपर में जो है गलत उत्तर दिया गया है, आयोग ने गलत उत्तर दिया है, और फार्मासिस्ट में भी जो है कम से कम 5-6 हैं। अगर आप लोग ऑब्जेक्शन करते हैं, कुछ घंटे का समय बचा है, तो हर अभ्यर्थी का जो है 5 से 6 नंबर बढ़ने के चांसेज हैं, नहीं तो दोस्तों आयोग यही फाइनल आंसर की जारी करके उत्तर जो है आपको दे देंगे, फिर आप कुछ कर नहीं पाएंगे, बाद में आप कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि आयोग ने आपको समय दिया है कि इतने तारीख को इतने बजे तक आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों जो भी समझ में आता है हमें, वह आप लोगों तक ज़रूर पहुँचाता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।